आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा अभिरा और चारू बातचीत कर रहे हैं और अभिरा चारू से पूछती है कि क्या वह डरी हुई है। बातचीत में शामिल होते हुए अरमान सलाह देता है कि जीवन साथी में भरोसेमंद होना सबसे महत्वपूर्ण गुण है, इसके बिना जीवन बर्बाद हो सकता है। इस बीच संजय पोद्दार परिवार में तनाव को कम करने की कोशिश करता है और सुझाव देता है कि उन्हें कभी कभी अपने मतभेदों को भूलने की जरूरत होती है। जैसे ही कावेरी घर की चाबियां लेने वाली होती है, विद्या आकर उन्हें ले लेती है, जिससे कावेरी चौंक जाती है। इसके तुरंत बाद नीरज का परिवार गठबंधन की चर्चा के लिए आता है। अभिरा और चारू नीरज को देख लेती हैं और चारू उसे परखने का फैसला करती है। संजय नीरज और उसके परिवार का गर्मजोशी से स्वागत करता है। विद्या स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेती है और नीरज की मां टिप्पणी करती है कि बाहर के लोग मानते हैं कि कावेरी पोद्दार परिवार को चलाती है, लेकिन असल में विद्या के पास शक्ति है। चारू फिर नीरज के परिवार से मिलती है और बातचीत के दौरान नीरज की मां को पता चलता है कि रूही और अभिरा बहनें हैं। यह खबर रूही और विद्या दोनों को गुस्सा दिलाती है।